भिवाड़ी पुलिस थाना ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो वारदात करने के लिए प्लेन से दूसरे राज्य में जाकर एटीएम हैंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। पकड़ा गया आरोपी शकील अहमद खुद बीसीए का छात्र है, जबकि हरियाणा के नूह इलाके के मांडुका गांव का रहने वाला है, जिसे खुद को याद नहीं कि उसने 7 सालों में कितने एटीएम हैंक किए। भिवाड़ी डीएसपी सिद्धांत शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एटीएम हैंक का मुख्य आरोपी है, जिसने भिवाड़ी सहित आसपास के करीब एक दर्जन लड़कों को एटीएम हैंक के लिए ट्रेंड किया हुआ है। जो है यहाँ पे एटीएम हैंक करके काफी वारदातें हो रही थी, उसमें हमारे यूआईटी थाने के एसएचओ है विजेंद्र, इन्होंने टीम के साथ मिलकर जो इसका मुख्य अभियुक्त है शकील अहमद, जो कि मालूका नू का रहने वाला है, इसको जो है कल पकड़ा। इसमें ये जो अभियुक्त है, इसने राजस्थान के साथ साथ यूपी, हरियाणा, मेघालय, नागालैंड, एमपी तक इसने वारदातें की है, और इस ये बेसिकली ये बीसीए का छात्र है जिसने फर्स्ट ईयर किया और अब दोबारा ये सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इसने अपने साथ इसने 10-12 लड़के और ट्रेन किए, जिसमें कि अपने गांव के साथ साथ यहाँ के लोकल आसपास के लड़के भी हैं। ये वारदातें करने के लिए बेसिकली कार लेके जाते हैं और उसके बाद वारदातें करते हैं, फिर उसमें महंगे होटलों में रुकते, इस तरीके से पैसे खर्च करते थे, और कई बार वारदातें करने के लिए प्लेन से भी जाते थे। इस लड़के ने इससे वारदातों की अभी पूछताछ की, तो इसने इतनी वारदातें की है पिछले 7-8 साल में, जो ये कह रहा है इसको अभी खुद को भी ध्यान नहीं है, मतलब ये कह रहा है करीब 1000 से ऊपर वारदातें कर चुका है। इसने जो अपने गाँव का घर बनाया है, जो इसकी ज़मीन है, वो सारा इन्हीं वारदातों के पैसों से करना बता रहा है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी ने एटीएम हैंग करके अपने गांव में आलीशान मकान बनवाया और काफी जमीनें भी खरीदी। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य में जाने के लिए ये लोग प्लेन से जाया करते थे और वहां महंगे होटल में ठहरते थे और अय्याशी करते थे।